बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए फिज़िक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से एक वीडियो प्रेशर इन लिक्विड्स। इससे पहले जो वीडियो आई थी उसके अंदर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को स्टडी किया था, यानी जिस तरह एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद एयर हमारे ऊपर प्रेशर डालती है, इसी तरह जब लिक्विड्स के अंदर किसी चीज़ को रखा जाता है तो लिक्विड्स भी बिल जस्ट लाइक एयर उस ऑब्जेक्ट पर प्रेशर डालते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि एयर की डेंसिटी कम होती है, इसलिए एयर प्रेशर, इन अदर वर्ड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। लेकिन चूंकि लिक्विड्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसी लिक्विड्स का प्रेशर एयर की निस्बत एटमॉस्फेयर की निस्बत ज़्यादा होता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन इससे पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर इन लिक्विड्स। जब किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड्स के अंदर डाला जाता है तो लिक्विड्स उस पर तमाम डायरेक्शन से प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, और आज हमने प्रूव करना है कि किसी ऑब्जेक्ट को जब लिक्विड के अंदर डाला जाए तो उसका लिक्विड का प्रेशर उस ऑब्जेक्ट पर कैसे असर करता है और ये प्रेशर किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, लिक्विड्स एग्जर्ट प्रेशर जस्ट लाइक एयर आर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिक्विड्स भी प्रेशर डालते हैं। द प्रेशर ऑफ लिक्विड्स एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। लिक्विड के अंदर जिस ऑब्जेक्ट को भी रखा जाए तो तमाम डायरेक्शन से उस पर प्रेशर पड़ता है। क्योंकि लिक्विड को फ्रीली नहीं किसी कंटेनर के अंदर लेना पड़ता है, इसलिए कंटेनर में जो भी ऑब्जेक्ट डाला जाएगा लिक्विड उस पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड वेरीज विद डेप्थ। दो चीज़ें हैं, लिक्विड्स का प्रेशर चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू डेप्थ, यानी जूं जूं गहराई की तरफ जाएंगे किसी लिक्विड के अंदर। आप सी यानी समंदर की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, वो तमाम एक्वेटिक लाइफ जो ज़्यादा गहराई पर होती हैं उन पर सी वाटर का प्रेशर ज़्यादा होता है, और जो कुछ कम गहराई पर होती हैं वहाँ प्रेशर कम होता है। एक और चीज़ जिस पे प्रेशर डिपेंड करता है, जैसा कि हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर भी पढ़ा कि डेंसिटी है जिसकी वजह से प्रेशर चेंज होता है। चूंकि डेंसिटी लिक्विड्स और एयर की चेंज होती रहती है, गैसों की चेंज होती है, इसलिए प्रेशर भी चेंज होता रहता है। तो जब लिक्विड्स की बात करें तो डेंसिटी के साथ साथ जो प्रेशर को चीज़ इफेक्ट करती है वो डेप्थ ऑफ दैट थिंग होती है। इफ़ वी टेक अ प्रेशर सेंसर, इसके लिए कोई प्रेशर सेंसर ले लें और उसको किसी लिक्विड में रखें, वो लिक्विड किसी कंटेनर में हो, रिवर के अंदर हो, कैनाल के अंदर हो या सी के अंदर हो, तो आप देखेंगे कि सेंसर को जूं जूं उसकी डेप्थ चेंज करेंगे, यानी वाटर लेवल से नीचे की तरफ लेके जाएंगे या ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो जो सेंसर है वो डिफरेंट प्रेशर शो करेगा एट डिफरेंट डेप्थ्स।
अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ और प्रूफ करते हैं। कंसीडर अ सिलेंडर प्लेस्ड इन लिक्विड। एक सिलेंडर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका सरफेस एरिया सामने डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है, ए है, और इस सिलेंडर की जो डेप्थ है या हाइट है या लेंथ है लिक्विड कंटेनर के अंदर वो एच है, जबकि पी जो है ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर एग्जर्टेड होता है जी। तो सामने डायग्राम के अंदर आपको एक सिलेंडर नजर आ रहा है जिसको एक लिक्विड के कंटेनर में डाल दिया गया है। ए सरफेस एरिया है उस सिलेंडर का जिसको कंटेनर में डाला गया है, एच उसकी डेप्थ है या लेंथ है या हाइट है इनसाइड द वाटर। ए इज द सरफेस एरिया एंड एच इज द डेप्थ ऑफ सिलेंडर इनसाइड द लिक्विड। द फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस एरिया ए जी फ्रॉम अपवर्ल्ड टू डाउनवर्ल्ड यानी ऊपर से नीचे की तरफ जो फोर्स सरफेस एरिया पे अमल करती है वही प्रेशर है, इज द वेट ऑफ द लिक्विड। तो हमें पता है फोर्स आर वेट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ल्ड, तो फिर लगने वाली फोर्स उसके वेट के इक्वल होगी जो लिक्विड के अंदर एग्जर्ट होता है। अब जो मुख्तलिफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज से हमें वास्ता पढ़ना है प्रेशर की इक्वेशन को डिराइव करने के लिए जब किसी सिलेंडर को किसी कंटेनर में लिक्विड वाले कंटेनर में रखा जाता है, तो वो दर्ज जैल हैं। नंबर वन ए क्या है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी जिस सिलेंडर को लिक्विड वाले कंटेनर में डाला गया है उसकी सरफेस का एरिया ए है। वी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, अब वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो इसको एक और तरह से भी बयान किया जा सकता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, क्योंकि एरिया लेंथ और विड्थ से मिलता है। एच डेप्थ लेंथ ऑफ द सिलेंडर है, एफ या डब्ल्यू क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर, एम मास ऑफ द लिक्विड आर सिलेंडर, क्योंकि जितना मास लिक्विड का होगा सिलेंडर ने जितने लिक्विड को अपनी जगह से डिस्प्लेस किया वही मास होता है। ये रो है, ग्रीक वर्ड रो, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड यानी लिक्विड की डेंसिटी को डी से भी लेकिन यहां उसको रो से जाहिर किया गया है। पी प्रेशर ऑफ द लिक्विड है एक्सर्टेड ऑन द सिलेंडर, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब हम दी गई डायग्राम जो के सामने आपको नजर आ रही है उससे उसके अंदर जो सिलेंडर डाला गया है कंटेनर में उस पर प्रेशर क्या पड़ता है, इन फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन आपस में जोड़ते हैं। नाउ वी डिफाइन प्रेशर, प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर क्या है, एरिया पर लगने वाली फोर्स है। सो पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए, पी किसके इक्वल है, फोर्स ओवर एरिया के। अब फोर्स क्या है ये हम फाइंड करते हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज से जिनका हम पीछे जिक्र कर रहे हैं। तो एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, एफ फोर्स है डब्ल्यू भी फोर्स है डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, इज इक्वल टू एम जी, एम जी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। हमने इसको इक्वेशन वन का नाम दे दिया। वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, तो डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास ओवर वॉल्यूम के। यहाँ डेंसिटी को हमने किससे लिखा है, रो से लिखा है, लिख दिया मास एम होता है जबकि वॉल्यूम वी है। तो चूंकि सामने डायग्राम के अंदर सिलेंडर जो जिसको लिक्विड वाले कंटेनर में रखा गया है उसका सरफेस एरिया ए है और उसकी हाइट एच है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, और हाइट से या डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वॉल्यूम बन गया। तो वॉल्यूम क्या है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ आर हाइट आर लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो एम इज इक्वल टू यहां से एम अपनी जगह पे वी रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, एम इज इक्वल टू रो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी यानी वी रो। तो M क्या निकलेगा, V की वैल्यू यहां से पुट करते हैं वो है AH, M उसी तरह V की वैल्यू AH पुट कर दी
और रो भी उसी तरह। तो मास किसके इक्वल हो गया, ए एच रो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन वन, ऊपर इक्वेशन वन एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी है, एम की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जो एम की आई है। तो एम की वैल्यू क्या है, ए एच रो आई है, ए एच रो पुट कर दी, जी उसी तरह आ जाएगा, ये वाला जो है उसी तरह आ गया। और अब प्रेशर को हम डिफाइन कर चुके हैं, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, एफ की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वो पुट कर देते हैं। P इज इक्वल टू ए एच रो, किसकी वैल्यू है, ये एफ की वैल्यू है और साथ जी उसी तरह, क्योंकि है एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, एम की वैल्यू आ गई, साथ जी उसी तरह आ गया, ओवर में ए आ गया। अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो प्रेशर हो जाता है इक्वल टू रो जी एच। अब ये जो तीनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये क्या है, पी तो प्रेशर है, रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको आगे चल के हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी का नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एच क्या है, डेप्थ है उस सिलेंडर की, जिसको सामने डायग्राम के मुताबिक कंटेनर जो कि लिक्विड वाला कंटेनर है उसमें रखा गया है। द अबव इक्वेशन शोज दैट प्रेशर ऑन एन ऑब्जेक्ट इन लिक्विड डिपेंड्स, तो लिक्विड के अंदर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, एक ही चीज है, वो है डेप्थ ऑफ द सिलेंडर इन साइड द कंटेनर। तो डेंसिटी और ग्रेविटी पे क्यों नहीं डिपेंड करता, यानी रो और जी पे, क्योंकि किसी जब लिक्विड सारा यूनिफॉर्म है एक ही तरह का है तो रो यानी डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती, और जी भी कांस्टेंट रहेगा, ये तो है ही कांस्टेंट, क्योंकि ये डेंसिटी रो और जी कांस्टेंट हैं, इसलिए जो प्रेशर इनसाइड द लिक्विड इन द कंटेनर डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ द सिलेंडर इनसाइड द कंटेनर। सो वी कैन से दैट प्रेशर ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द डेप्थ एच, वाई, बिकॉज डेंसिटी रो एंड वैल्यू ऑफ जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।